कैसे क्या कैसे एक्सपोजर हुआ इसका? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि थाना देवा क्षेत्र में ये 10 और 11 की रात्रि को ये एक डकैती विद मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था, और ये घटना अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव घटना थी जिसको बाराबंकी पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया, और हमारे सभी ऑफिसर्स, हमारे फील्ड ऑफिसर्स और हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने इस घटना को लेकर बहुत कॉन्टीन्यूसली अपनी मॉनिटरिंग रखी, और उसी के फलस्वरूप हमारी जो स्वाट टीम थी और जो हमारी थाने की टीम थी, हमारे सीओ साहबान और एडिशनल साहब के सुपरविजन में इस घटना को वर्कआउट करने में सफल हुए हैं। इस घटना के बारे में आपको बता दूं कि ये एक गैंग है जो मूलतः, जो अगर हम देखें तो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, लेकिन अभी ये पिछले कुछ वर्षों से ये लोग इटावा, कानपुर और बदायूं के आसपास ये लोग रहते हैं, और यूं कहें कि ये निश्चित रूप से कहीं एक जगह नहीं रहते हैं, लगातार अपने डेरों को चेंज करते हैं, और इसी गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। ये लगातार गैंग बाराबंकी में भी कई बार आया, इसके अलावा आसपास के जनपद जैसे सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इन जनपदों में भी ये गैंग आया है, और वहाँ पर ये लोग बच्चों को करतब दिखाने के नाम पे वहाँ डेरे बना लेते हैं, और दिन में तो ये सब ये करतब दिखाते हैं, और रात में उन घरों को जहाँ ये रेकी कर चुके होते हैं दिन में, उन घरों में जाके डकैती और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यही यहाँ देवा वाली घटना में भी हुआ, ये यहाँ कुछ महीने पहले आके रुके थे, यहाँ पर अपना करतब दिखाते थे और दिन में ये रेकी करते थे। इसके बाद इन्होंने इस घर को चिन्हित किया, और ये जो साथी जो जितने भी थे ये इन सभी ने एक साथ मिलकर ये योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें कि जेवरात, नकदी और सामान उन्होंने लूटा, और एक महिला जिनकी नाम चंद्रावती था उनकी हत्या भी कर दी। पुलिस ने इस घटना का बहुत सफल अनावरण किया, और मैं साथ में बता दूं कि चूंकि ये गैंग अभी इलाहाबाद में भी इसकी होने की सूचना मिली थी, तो वहां से भी संबंधित एक घटना का खुलासा हुआ है जहां पर इन्होंने इस घटना को कारित किया था। प्रयागराज की टीम को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है, उस घटना का भी खुलासा इनके पकड़े जाने के बाद हो रहा है। जो ये पकड़े गए अभियुक्त हैं, इनके नाम है आसिफ, सिंधबाज, नुमाइश, सौदीन और साजिम। इसमें साजिम नाम का जो अभियुक्त है ये अभी वांछित है, इसको अभी जेल भेजा, इसको पकड़ने के लिए हमने इस पे इनाम भी घोषित किया है, और इसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जहां तक रिकवरी की बात है तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक जोड़ी सुई धागा, पीली धातु, अंगूठी, साड़ी के पिन, नथुनी, नाक की कील, कान का बूंदा, 20,000 रुपये नकद, और जो आलाकत्र डंडा था ये सब, और तमंचे, ये सब बरामद किए गए हैं। साथ ही ये लोग इस चीज में भी माहिर हैं कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, उन फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से ये लोग नए नए सिम लेते हैं, और उन सिम के माध्यम से फिर ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो पुलिस ने ये भी चीज इस कड़ी में पता कराने में सफल हुए हैं कि ये जो आधार कार्ड का जो ये यूज करते हैं, इसकी भी प्रॉपर सेक्शंस इसमें अप्लाई किए जाएंगे, और उन मुकदमा भी इनकी रिमांड ली जाएगी।